मित्रों नमस्कार, मैं रोशन हूँ। और आज दो बड़े विषय हैं। एक तो राज्यसभा को लेकर है, जो वहाँ नोकझोंक हुई है, उस मुद्दे पर बात करेंगे। और दूसरा, आज मनीष सिसोदिया को 530 दिनों के बाद जमानत मिली। हालांकि ये दोनों मामले सब ज्यूडिस हैं, जो राज्यसभा की कार्रवाई होती है उसकी भी उसको भी एक कोर्ट का ही दर्जा मिला हुआ है, तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जो मूलभूत बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और मनीष सिसोदिया का मामला भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन हम जो राजनीति उसमें हो रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतिमेश। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों मुद्दे बहुत सेंसिटिव हैं, और दोनों मुद्दों की हम बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन जो मोटे तौर पर अगर हम कहें, जैसे आज राज्यसभा में हुआ, और राज्यसभा में जो आज स्थिति आई, आज सीधे सीधे तौर पर उपाध्यक्ष को, जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन पर सवाल उठाया गया कि आपका लहजा, आपके टोन ठीक नहीं है। जबकि पीठ पीछे या इनडायरेक्टली सब बोलते थे, जब भी स्पीकर को या जो पीठ पर बैठा हो, जब उसकी आलोचना करनी हो तो उस तरफ नहीं देखते हैं, बल्कि सरकार को बोलते हैं कि सरकार विपक्ष का गला घोंट रही है, सरकार विपक्ष को नहीं बोलने दे रही है। सरकार को बोलते हैं, मतलब हम पीठ को बोल रहे हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि डायरेक्ट हिट किया गया। और जैसे लोकसभा में भी राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को डायरेक्ट हिट किया था कि आप माइक बंद कर देते हैं, बोलने नहीं देते हैं। तो ये इसको आप कैसे समझ रहे हैं? ये जो हमारी नई पीढ़ी, वो भी इसको देख रही है। देखिए, क्या है कि ये संसद का बजट सत्र की शुरुआत जो है वो दोनों आसनों के साथ विपक्ष के टकराव से शुरू हुई और उसका समापन भी उसी टकराव पर आकर हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, ये बहस का विषय हो सकता है। मेरा अपना मानना है कि देश का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति प्रोटोकॉल में नंबर दूसरे दूसरे नंबर पर आता है। बिल्कुल बहुत बड़ी उस पद की मर्यादा है, उसकी वो चेयरमैन की जो कुर्सी है उसकी एक अपनी मर्यादा है। राज्यसभा जो है, देखिए राज्यसभा क्यों बनाई गई थी? राज्यसभा इसलिए बनाई गई थी, और राज्यसभा को एल्डरमैन हाउस कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है कि अगर लोकसभा से कोई गलती हो जाए तो राज्यसभा में उसे सुधारा जा सके। राज्यसभा का इसलिए गठन किया गया था। बिल्कुल काफ़ी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जो है वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं और अनुभवी होते हैं और जनरली सीजेंट भी होते हैं। हाँ उस सदन के अंदर इस सत्र में लगातार जिस तरीके की विपक्ष और आसन के बीच नोकझोंक हुई, वो एक कोई स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। अब देखिए समस्या क्या है कि जब एक तरफ तो राज्यसभा जो है वो एल्डरमैन हाउस बोला जाता है, दूसरी तरफ सभापति का जो आचरण है उससे जो संदेश निकलता है वो ये निकलता है कि ये बच्चों की पाठशाला है। ठीक है, बात बात पर बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, नेम कर दूंगा, या मतलब विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना, उनका माइक बंद कर देना। तो ये आचरण देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सम्मान जो है कुर्सी पर बैठने से नहीं मिलता है रोशन जी, सम्मान को आपको अर्न करना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि लोकसभा के स्पीकर हों या राज्यसभा के सभापति, दोनों पोस्ट निष्पक्ष हैं, संवैधानिक पोस्ट हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब वो निष्पक्ष हैं और सभी की सहमति से चुने जाते हैं, लगभग सभी का उनको समर्थन हासिल होता है, तो इन दोनों ही पोस्ट को निष्पक्ष होना ही नहीं, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, दिखने में, और अनिवार्यता भी है उसकी। दिखना चाहिए। जिसका कहीं ना कहीं मुझे कमी खटकती है राज्यसभा के अंदर, देखिए जिस तरीके से, और ये पहली घटना नहीं है, राज्यसभा में इससे पहले भी एक बार इस तरीके की घटना हुई थी जब नजमा हेपतुल्ला जी जो थी, तो वो भी किसी बात पे, मुझे याद नहीं आ रहा है वो प्रकरण, लेकिन वो गुस्सा होकर और चलती हुई कार्यवाही के बीच से चेयर छोड़ के चली गई थी।
कल इसी तरीके का नजारा राज्यसभा के सभापति चेयरमैन साहब ने किया, उन्होंने कहा कि हम बहुत आहत हो गए हैं, हाँ, और हम जो है कुर्सी छोड़ के कुछ देर के लिए हम जाना चाहते हैं। सवाल ये है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी का काम है कि वो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुने, उसमें अपनी रूलिंग दे, ना कि ऐसा लगे कि जहां पर ये लगे कि नहीं साहब जो है कुर्सी जो है वो किसी पक्ष या विपक्ष का साथ दे रही है, उसका लग रहा है, हाँ, या उसका कहीं पर झुकाव है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। और टकराव की यही वजह है, देखिए आप एक चीज देखिएगा कि इससे पहले राज्यसभा में सभापति कौन थे, वेंकैया नायडू थे, उससे पहले हामिद अंसारी थे, ठीक है, इसमें भैरव सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता भी बैठे, ठीक है ना, लोकसभा में सुमित्रा महाजन थी ओम बिरला से पहले, मीरा कुमार थी, कभी इस तरीके की स्थितियां मैंने नहीं देखी। 25 साल करीब करीब हमको आपको करते हुए संसद की कार्यवाही देखते हुए हो गए, इस तरीके का आचरण, इस तरीके की चीज़ें जिसमें कि मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है, डायरेक्ट सदन चेयर पर जो है चेयर के साथ बहस हो रही है, चेयर पर आरोप लगाए जा रहे हैं और चेयर उसका जवाब दे रही है, मतलब ये मेरे हिसाब से ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और जिस तरीके से देखिए क्या है ना कि शुरुआत में ही आप इस बार जो है जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उस समय भी सभापति ने कई बार कई चीज़ों को कहा, जो समस्या क्या है कि सभापति जी इस समय जब रूलिंग देते हैं या किसी बात पे बोलते हैं या सदन की कोई कार्यवाही के बीच में हस्तक्षेप करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि कम से कम विपक्ष को ये लगता है कि ये सत्ता पक्ष के व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो मतलब बात करते करते उनका जो थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज होता है और जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं वो लहजा लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और उसी को लेकर आज जया बच्चन जी ने सवाल उठाया कि भाई आपका हमें टोन पसंद नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए मतलब जिस तरीके से सभापति जी ने, क्योंकि उसके बाद सभापति जी ने जिस तरीके की रिएक्शन दी तो मुझे लगता है कि वो भी चेयर की गरिमा के अनुरूप नहीं थी कि हाउ डेयर यू और ये है वो है मैं बाहर कर दूंगा और आप सेलिब्रिटी को लाइसेंस नहीं मिलता है, इस तरीके की तमाम चीज़ें की बात हुई। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि देखिए सम्मान जो है उसे अर्न किया जाता है, आप उस सम्मान को अर्न कर लेंगे, चेयर का सम्मान जो है उस चेयर का सम्मान तो करेगा ही करेगा मजबूरी में, लेकिन जो असली सम्मान है उसे अर्न करना पड़ता है, और उसे अर्न करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भी अपनी तरफ से अपने आचरण और अपनी गरिमा पद की इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि ओम बिरला जी पिछले सत्र में यानी पिछले सरकार में एक दो मौके ऐसा है जब विपक्ष और सरकार के बीच में बिल्कुल डेडलॉक हो गया था तो वो सदन में नहीं आए, उन्होंने कहा मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक सरकार और विपक्ष के बीच में बातचीत ना हो जाए, और मुझे लगता है ये स्टैंड उनका बहुत ही परिपक्वतापूर्ण था कि हम क्यों इसमें पार्टी बने, सरकार और विपक्ष का ही झगड़ा है, आप इसको निपटाओ, और संसदीय कार्य मंत्री का काम ही यही होता है कि अगर कोई इशू है, अगर विपक्ष कोई इशू उठा रहा है तो आप उससे बात करो। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपने देखा, मनमोहन सिंह की सरकार में आपने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री और जो चार बड़े मंत्री होते थे वो अपोजिशन के यहाँ जाते थे और उनसे बात करते थे और फिर सदन में आते थे। पिछले 10 सालों में हमने इस चीज़ की कमी देखी कि संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के ऑफिसों में नहीं जाते हैं, बल्कि उनको सदन में, तो जब जोशी जी संसदीय कार्य मंत्री थे तो वो भड़काते और थे विपक्ष को, तो वो उन्होंने काम किया, यही काम सोमनाथ चटर्जी भी करते थे, जब बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती थी तो वो कहते थे मैं सदन में तब आऊँगा जब दोनों आपस में पहले बात कर लूँ। तो ये काम अगर धनखड़ जी को ऐसा लगता है कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में झगड़ा है तो उनको बोलना चाहिए आप लोग आपस में बात करो, मैं किसी इसमें पार्टी बन, समस्या यही, लेकिन वो पार्टी बन रहे हैं, ये इसमें दिक्कत हो रही है कि वो कन्फ्रंटेशन हो जा रहा है कि अपोजिशन और उनके बीच में सीधे सरकार बच जाए। वही कह रहा हूँ कि देखिए सदन के अंदर लड़ाई होनी चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, वो तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो हम देख रहे हैं इस सत्र में,
कि पक्ष और आसन के बीच में लड़ाई हाँ, मतलब और इससे सरकार बच जा रही है। हाँ, और पार्टी कौन बन रहा है? विपक्ष तो है, आसन पार्टी बन आसन पार्टी। और तो ये मतलब ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। देखिए उसके पीछे रीजन भी कई चीजें हैं। जब से इधर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उन्होंने एक नई शैली निकाली है और वो शैली उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि संसद है किस लिए। संसद तो इसलिए आम जनता के सवालों पे उस पर चर्चा हो, बिल्कुल हाँ, उसमें डिस्कस, महंगाई पे हो, बेरोजगारी पे हो। पहले क्या होता था कि नेता प्रतिपक्ष जो हुआ करते थे तो उनके उनकी एक टीम होती थी और उनके पास रिसर्च विसर्च करके सवालों की सूची पहुंचा दी जाती थी और वो जो है वहाँ पे बोलते थे सदन के अंदर। राहुल गांधी ने परिवर्तन क्या किया कि राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति, जिस समुदाय की और जिससे जुड़ी हुई समस्या होगी, हम उस आदमी को सदन, संसद के अंदर तक लेके आएंगे और सीधे मिलकर उससे उसकी समस्या पूछेंगे, तब सवाल उठाएंगे। ये दोनों सभा, लोकसभा और राज्यसभा के जो आसन के जो चेयर के पीठासीन अधिकारी हैं उनको ये बात थोड़ी सी खल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने जिस तरीके से मैला ढोने वालों को बुला लिया, मछुआरों को बुला लिया, किसानों को बुला लिया। राहुल गांधी एक स्ट्रेटजिकली, एक रणनीति के तहत ये देश को संदेश दे रहे हैं कि ये संसद जिनके लिए बनी है उन सबको हम संसद के अंदर लेकर आ रहे हैं और उनके सवालों सवाल ही हमारी कंसर्न है। और हमने देखा है डॉक्टर साहब, ये सब मतलब होता रहा है। हाँ, ये अब ये स्थिति है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे असहज सा महसूस करता हूँ। मैंने तो डॉक्टर साहब, मतलब आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि जब जब बड़े बड़े इशू आए, चाहे किसानों का मामला रहा हो, उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, तो जो संसद की, लोकसभा की या राज्यसभा की गैलरी से लोगों ने पर्चे फेंके और कूदे, तो ये लोकतंत्र के लिए, हम तो इसको अच्छा मानते हैं कि ऐसा लोकतंत्र में लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अपने दायरे में रह के, और उन्होंने अपने पर्चे फेंके और किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, कुछ देर उनको थाने में बैठाया और शाम को फिर उनको छोड़ दिया, कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं, अब देखो मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, समस्या कहाँ पे आती है कि दोनों सदनों को अगर आप देखें, इधर इस बजट सत्र में ही देखें, पीछे मत जाइएगा, तो आप जब जब देखेंगे कि सत्ता को असहज करने वाली चीज़ें जैसे ही विपक्ष शुरू करता है, दोनों आसन के लोग जो है वो थोड़ा सा तिलमिला जाते हैं, है ना, एकदम पार्टी सी बन जाते हैं कि कैसे हम इस चीज को रोकें। हाँ, जबकि उसको सत्ता को बोलना चाहिए कि भैया सत्ता देखो, सत्ता पक्ष वालों को चाहिए कि वो उस पर काउंटर करें, उस पर बोलें, अपना जवाब दें, ना कि आसन जो है उसमें एक पार्टी बनता हुआ नजर आए। और फिर तो, वो फिर सीधे लड़ाई हो जाती है, फिर वो असहज हो जाते हैं और असहज होने के बाद क्या होता है कि वो मर्यादा का पाठ सिखाने लगते हैं। आप देखिए क्या है ना कि अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने अमर्यादित आचरण किया, वो कह रहे हैं कि दादागिरी नहीं चलने देंगे, मतलब ये अशोभनीय है लोकतंत्र के लिए। और इस तरीके की चीज़ें कि मतलब सीधे सीधे पक्ष हो या विपक्ष कोई भी हो, अगर सदन के चेयरमैन के ऊपर, सदन के सभापति के ऊपर सीधे सीधे अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और ये उस पद की गरिमा के भी मतलब खिलाफ जा रहा है। अब जिस तरीके से अब देखिए अभी क्या है कि आपको भी पता है कि होगा कुछ नहीं, विश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया भी अगर जा रहा है जिसकी तैयारी कर रहा है विपक्ष, तो ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरा मतलब जो तत्कालीन जो सदन है उसके सारे सदस्यों का समर्थन चाहिए, तो सारे सदस्य तो हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये ऐसी चीज हो गई तो ये बहुत बड़ा संदेश, मतलब संदेश गलत जाएगा कि हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके खिलाफ अविश्वास है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ये भी है कि विपक्ष भी थोड़ा इस बार ज़्यादा आक्रामक है, ऐसा नहीं है, अगर पीठ की तरफ से कुछ चीज़ें हैं तो विपक्ष भी ज़्यादा आक्रामक है और विपक्ष भी टारगेट पे सत्ता पक्ष से ज़्यादा कहीं चेयर को ले रहा है। अब चाहे लोकसभा में हो, राहुल गांधी ने लिया, फिर अखिलेश यादव ने लिया, ठीक है ना, और इधर जो है जयराम रमेश हो, रमेश मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या अपना डेरेक ओब्रायन हो, या जया बच्चन हो, तो टारगेट पे ले रहे हैं चेयर को भी। अब लेकिन सवाल ये है कि भाई चेयर को वो क्यों टारगेट पे ले रहे हैं, तो ये चेयर को अपने आप ये मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम क्यों पार्टी इसमें बन रहे हैं। हाँ, उनको तो रेफरी बनना चाहिए, ठीक है ना, आप तो रेफरी की भूमिका में हैं, आप दोनों के बीच में जो पक्ष विपक्ष में झगड़ा हो रहा है हो रहा, वहाँ पे आपकी रेफरी की भूमिका है। लेकिन अगर आप टारगेट पे आ रहे हैं और आपको वो निशाने पे ले रहे हैं और आप उसमें पार्टी बन रहे हैं, तो उनको भी चिंतन का वर्णन करने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि ये अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ये तो एक मुद्दा हुआ और इस मुद्दे पे शायद सरकार को ये सोचना जरूर चाहिए कि जो विपक्ष का कारतूस है, विपक्ष की जो बंदूक की नाली है, वो सत्ता की तरफ रहे, वो चेयर की तरफ ना रहे,
हो सकता है कि जब ये अगला सत्र होगा, क्योंकि आज तो समापन हो गया है, और जब विंटर सेशन आएगा तो शायद इसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, चेयरमैन हैं, वो शायद सबको अपने कक्ष में बुलाएं, चाय पिलाएं। मैं बताऊं आपको, जो जो जिसको कहा जाता है ना कि ये भद्र लोगों का सदन है, हाँ, है ना, तो उस वो जो परिभाषा है और जिस मतलब थीम के साथ और जिस संकल्पना के साथ इसकी स्थापना की गई थी, वो तार तार होते हुए दिखाई पड़ रही है। हाँ, मतलब मिला के दोनों, मतलब इसमें किसी व्यक्ति विशेष को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो माहौल जिस तरह से हो रहा है ना, तो वो एल्डरमैन वाली और जो इसकी एक मतलब ख्याति है राज्यसभा की, कि भाई भद्र कहते भी हैं कि भद्र लोगों की सांसद है, लेकिन वो पिछली बार तो हमने जब देखा, जब ठीक है ना, पिछली सरकार में कि किस तरह से संजय सिंह और दूसरे लोग डेस्क के ऊपर चढ़ गए थे, तो ये मतलब वो जो है वो तार तार होती जा रही है। इस पे मनन करने की जरूरत है, पक्ष को भी, विपक्ष को भी और आसन तीनों को भी। कभी हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि मावलंकर का समय जो था वो दोबारा आएगा, और उसमें जो सदन की गरिमा होती थी, कोई सिर नहीं उठाता था और पीठ सत्ता के वो जो आसन है, आसन की तरफ पीठ खड़ा होकर नहीं कर सकते थे। अगर पीठासीन अधिकारी खड़े हो गए तो बाकी सबको बैठना होता था, प्रधानमंत्री खड़े हो गए बाकी सबको बैठना होता था, लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो गए बाकी सबको बैठना होता था। आज तो प्रधानमंत्री पूरे बजट, जब उन्होंने रिप्लाई किया इसमें भी और पिछले सत्र में भी, हमने देखा कि पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे तक अपोजिशन नारेबाजी करती रही, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया। तो मुझे लगता है कहीं मर्यादा टूट रही है। नहीं, मर्यादा देखिए, पक्ष और विपक्ष के बीच की मर्यादा तो टूट रही है, अब वो पुरानी जैसी चीज़ें अब रह नहीं गई हैं, ठीक है ना। एक दूसरे का सम्मान, सदन की गरिमा, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहाँ किस किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हो रहा है, ये सब चीज़ें शर्मनाक हैं, बेहद शर्मनाक हैं। और इसमें सबको सोचने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है कि ऐसी परिस्थितियाँ ना हो, क्योंकि अब सीधा प्रसारण होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है, जनता देखती है, जनता को समझ में आता है कि किसकी गलती है। हम आप कुछ भी बैठ के यहाँ बहस कर लें, कुछ भी एनालिसिस कर लें, लेकिन जनता को भी समझ में आ रहा है कि मतलब कहाँ पर किसकी गलती है और क्या किस तरीके की चीज़ें हो रही। तो उसको आप सभापति को भी देखना चाहिए कि भाई ये पाठशाला नहीं, छोटी छोटी बात पे जो है आप बोलने नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं। सरकार से बात करनी चाहिए कि भाई आप बताओ इनकी ये आपत्ति है और आप इसका आप इसमें जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है कि जब ये सत्र आगे बढ़ते रहेंगे तो और परिपक्वता तो आएगी और शायद कोई इसमें बीच का रास्ता निकले। दूसरा मुद्दा डॉक्टर साहब, आज मनीष सिसोदिया का मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको 17 महीने बाद 530 दिनों के बाद जमानत दी है। बहुत तरह के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं ईडी और सीबीआई की ट्रायल को लेके, उनके सबूत इकट्ठे करने को लेकर, उनकी जो विलम्ब हो रहा है उनके ट्रायल पर। तो उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 21 है उसका उल्लंघन है, कोई भी अपराधी हो अगर उस पर अपराध के आरोप हैं तो उसको जल्दी ट्रायल का हक है उसका, और अगर आप ट्रायल नहीं कर रहे तो उसको जमानत का हक है। तो उसको आप जमानत नहीं दे रहे, बार बार उसको आप लिंगर ऑन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक सवाल है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ हम आज़ाद हैं हम, और वहाँ इस तरह की अगर कार्रवाई हो कि किसी को आप पकड़ लो और उसको जेल में ठोंस कर, बल्कि ये तो मनीष सिसोदिया तो सिटिंग डिप्टी सीएम थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्टों में, ऐसे जेलों में लोग हैं जिनको 20-20 साल हो गए और ट्रायल पर नहीं आए, पर चूंकि वो गरीब है या उनकी कोई उसकी सुनाई नहीं होती है, वहीं से बेचारे बूढ़े हो जाते हैं। जब उनका ट्रायल पर आता है पता लगता है इनका कोई कसूर ही नहीं था। या जैसे राष्ट्रपति जी ने एक बार बहुत मार्मिक कहानी सुनाई थी कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया और वो जेल में है और 20 साल से जेल में, कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों है, क्यों हमारी जो जेलें हैं वो ठोसी पड़ी हुई हैं, हमारी जेलों में ओवर क्राउडेड है। तो ये चिंता है। और मनीष सिसोदिया जो सिटिंग डिप्टी सीएम थे, एक और सीएम, सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्या ये ऐसे अपराधी हैं क्या, कि जेब कतरे टाइप है कि इनको आप जेल में बिठा के रखो, ये इसमें सवाल है। नहीं, जेब कतरे टाइप को तो आप पकड़ के रखोगे, ये दोबारा ये जेब काटेगा। अगर उन पर आरोप भी है तो ट्रायल हो, और ट्रायल में अगर उन पर दोष साबित होता है तो फिर उनको आप जेल भेज सकते हो। अभी तो उनको कम से कम बाहर छोड़ना चाहिए। देखिए, सवाल इसमें सिस्टम पर है तो है ही हैं, ठीक है। सवाल इसमें जो लोअर अदालतें हैं, नीचे की जो अदालतें हैं उन पर भी सवाल हैं, उनकी भूमिका भी सवालिया घेरे में है, ठीक है ना। क्या वजह है कि देश की सर्वोच्च अदालत जो है वो संजय सिंह को जमानत दे देती है, वो मनीष सिसोदिया को जमानत दे देती है, वो राहुल गांधी वाले प्रकरण में राहुल गांधी को राहत दे देती है। नीचे की अदालतें इस तरीके की चीज़ें करने को तैयार नहीं है। हाँ।
सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। हाँ, निचली अदालत की और सब, नहीं सर्वोच्च न्यायालय तो उठा ही रहा है, मेन चीज ये है कि समाज के अंदर भी इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और ये संदेश जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं नीचे की जो जुडिशरी है वो भी कहीं ना कहीं किसी मतलब दबाव में काम कर रही है। दबाव में काम कर रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि जो निचली अदालतें होती हैं वो सबसे सेफ है कि आप जमानत मत दो, क्योंकि जमानत दोगे तो आप पे आरोप लगेंगे, तो जमानत मत दो आप सेफ है। तो ये इस प्रवृत्ति से उठने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये नेचुरल न्याय का प्रिंसिपल के खिलाफ है ना। पर आपने देखा कि दिल्ली में ही जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी लोअर कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने उस पर टर्न डाउन कर दिया। संविधान के अनुसार सब जमानत जो है पहला अधिकार है, पहला अधिकार है, ठीक है ना। और उस मामले में आप लगातार जो है एक के बाद एक अदालत, एक के बाद एक अदालत लगातार रिजेक्ट करती जा रही है। ये लोग प्रभावशाली लोग सब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच भी गए, अगर आम आदमी हो तो उसका तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और उसकी सुनवाई नहीं होगी तो दसियों साल सड़ जाएगा जेल के अंदर, बिल्कुल, ठीक है ना। और बहुत सारे केस ऐसे आए, बहुत सारे हमने ऐसे मुकदमे देखे हैं कि वो कई सालों बाद जब जेल से बाहर आए और ट्रायल पर आए तो उनका वो उनको क्लीन चिट मिल गई। ऐसे बहुत से देखे, ऐसे बहुत से मामले पिछले 4-5-6 सालों में उठा के आप देख लीजिएगा, चाहे वो दिल्ली दंगे का मामला हो या उस मुंबई का मामला हो, उसका जलगांव वाला कौन सा था उसका मामला हो, इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनको जमानत दी बल्कि निचली अदालतों समेत सिस्टम को, सरकारों को लताड़ भी लगाई, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन है क्या कि सिस्टम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ तक कितनी चीज़ें देखेगा, जितनी चीज़ें देखने में आ रही हैं। अब ये बताइए कि एक चुना हुआ व्यक्ति जिसको जनता, देश दिल्ली की जनता ने जिसको चुना, जो शिक्षा मंत्री था, उस जो डिप्टी सीएम था, जिम्मेदारी की पोस्ट पे था, पीएमएलए के मामले में अगर जमानत दी जाती है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो संबंधित जज है वो इस बात से कन्विंस है कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सबूत नहीं मिला है, ठोस सबूत नहीं मिले, ठोस सबूत नहीं मिले। तो क्या ये निचली अदालतों ने नहीं इस चीज़ को, इस पर गौर किया? क्या निचली अदालतों ने किसी दबाव में काम किया? या इतना जो 17 महीने का समय गया उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा, ठीक है ना। अभी ये देखिए, राजनीति के साथ जो चीज़ें चल रही हैं और राजनीति से जो चीज़ें प्रेरित हो रही हैं, अब न्यायालय को भी ये समझ में है, सर्वोच्च न्यायालय को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जांच एजेंसियां जो है एक दबाव में काम कर रही हैं। और दूसरे दिन साफ साफ इसलिए भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि सबूत नहीं मिल रहे और आप जेल में डाले हुए और जानबूझ के राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको जेल में डाले रखें, इसलिए डिले किया जा रहा है, जानबूझ के डिले किया जा रहा है, बिल्कुल। और दूसरी बात देखिए कि जो जो सिस्टम है हमारा, जो कि ट्रायल पर नहीं आना, वही, और जो सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो जो लोग पदों पर बैठे हुए हैं जैसे पुलिस, ईडी, सीबीआई, उनको सिर्फ एक काम करना है कि किसी के खिलाफ भी एक आरोप लगा के उसको अरेस्ट करवा देना है, उसके बाद वो अफसर रिटायर हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी वहाँ खत्म हो गई, और जिसको जेल डाला है वो बेचारा फिर अपने को साबित करने के लिए कि मैं सच हूँ, उसके लिए पूरी ज़िंदगी वो लड़ाई कर, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, उसका घर बार बिक जाता है। तो जिन लोगों के लिए, जिन लोगों ने उस पर आरोप लगाए, जिनको जिन्होंने उसके जेल में डाला, उनके खिलाफ कोई इसमें कार्रवाई का प्रोविजन नहीं है। यही तो देखो, ये भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, समस्या सबसे बड़ी यही है कि जिन लोगों के गलत आचरण की वजह से, जिन लोगों के गलत तरीके तौर तरीकों की वजह से एक निर्दोष आदमी को, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, उसको प्रताड़ना मिली, उसको सालों साल जेल में रहना पड़ा, सारी चीज़ें हुई, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हुआ, लेकिन उसका जो समय चला गया उस समय की भरपाई दूर नहीं हो सकती है। लेकिन इस मामले में इस तरीके की चीज़ें, ये बात सही है, टाइम लगेगा, होना चाहिए, जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की भी चीज़ें होंगी कि जो जिम्मेदार लोग होंगे इस तरीके के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इस तरीके के मामलों पे थोड़ी सी रोक लगे। बिल्कुल, और हमने तो बहुत, हमारे सामने इतना बड़ा उदाहरण है, जो अगर मान लो यदि ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जमानत दी है, अगर ये बरी हो जाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इनको बरी कर देती है, तो कायदा ये कहता है कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ, जो जांच अधिकारी हैं, जिन्होंने रेड की, जिन्होंने वो किया, जिन्होंने इनके अरेस्टिंग पे साइन किए, हाँ, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि भाई आपने इस तरीके के कृत्य क्यों किए। रोक तभी लगेगी, वरना क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जमानत देती रहेगी,
एजेंसी अपना काम करती रहेंगी, एक मामले जमानत दोगे, दूसरे मामले में फंसा देंगे, तीसरे मामले में फंसा देंगे, चौथे को फंसा देंगे, पांचवें को फंसा देंगे। हमने तो कई बार ऐसे मामले देखे हैं, ऐसे बड़ी बड़ी खबरें भी आई है। आज ही सीबीआई ने एक ईडी के ऑफिसर को पकड़ा है रिश्वत लेते हुए, क्योंकि वो एक्सटोर्शन कर रहे थे। तो हमने तो कई बार ऐसा देखा है कि यहाँ इवन अगर आप सड़क में सड़कों पर चले जाओ, दिल्ली पुलिस के जो जो ट्रैफिक पुलिस वाले वो कैसे लोगों को पकड़ते हैं, अगर आपने उनको पैसा नहीं दिया तो आप इतना बड़ा चालान कर देंगे कि आप परेशान होते रहोगे। हमने एक उदाहरण और देखा है डॉक्टर साहब कि अभी जो डॉक्टर नम्बी हैं, इतने बड़े इसरो के साइंटिस्ट जो देश के लिए क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे, जो क्रायोजेनिक इंजन हमको 20 साल पहले मिल जाता वो इतना लेट मिला, जिसके कारण जो चंद्रयान हमारा सफल हुआ उस क्रायोजेनिक इंजन पर वो काम कर रहे थे। अरे हम अमेरिका से मांग रहे थे, अल्टीमेटली हमको लास्ट में रूस ने दिया। तो अगर नम्बी उस पर काम कर रहे थे और वो पुलिस ऑफिसर, वो इसरो के लोग जिन्होंने उनको फंसाया, उनको जेल में रखा, उनको टॉर्चर किया, उनकी क्या क्या नहीं की, फिल्में, दो फिल्में उन पर बन चुकी हैं। अब वो जो वो दूसरे कारणों से जो पुलिस वाला जेल में है, वो दूसरे कारणों से जेल में, जो गुजरात दंगों को लेकर है, लेकिन नम्बे वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको जेल में रखो, उस पर केस चलना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर नम्बी की पूरी जिंदगी निकल गई और वो अपने को सच साबित करने में बेचारे लगे रहे और देश का कितना नुकसान हुआ, देश का हुआ, उनकी मान प्रतिष्ठा को जो चोट पहुंची। और देखिए इसमें कहीं ना कहीं हम आप भी दोषी हैं, हम लोग भी मीडिया ट्रायल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं बिना कुछ तह में जाए हुए। कोर्ट क्या करेगा, जांच एजेंसियां क्या करेंगी, उससे पहले सारा ट्रायल मीडिया आप शुरू करने लगा, ये नई परिपाटी शुरू हो गई है। तो किसी भी आदमी की चरित्र अनन से लेके और सारी चीज़ें उसको दोषी बना दिया था, भीमा कोरेगांव से लेके, और आप देखिए उमर खालिद के मामले, सारे मामलों में कोई आतंकवादी बता दिया गया, कोई कुछ बता दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट से सब बरी हो गए। हाँ, अगर आप किसी कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो आप देशद्रोही साबित। हाँ, और वो फिर वहाँ को न्यायालय से वो बरी हो रहे हैं और लताड़ पड़ रही है, लेकिन उस बीच तो उसकी जो प्रताड़ना हुई है, प्रताड़ना उसको आतंकवादी बता दिया गया, इतने दिनों तो उसने आतंकवाद का तमगा पहन के अपना जीवन जिया, और उसमें जो काल कोठड़ी, और उसको नहीं, उसके परिवार को, उसके मिलने जुलने वाले सब लोगों को जो है जिल्लत झेलनी पड़ती है। ये बड़ी चिंता का विषय है। इन पे देखिए, एक व्यक्ति का किसी का काम नहीं है इसमें, तमाम सरकार और एक किसी केंद्र सरकार के भी बस का नहीं इसमें, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार है, सारे लोगों को और न्यायालय सबको जो है थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के आगे आना होगा, एक अच्छी गाइडलाइन बनानी होगी, उसके बाद ही इन पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। अभी होता क्या है कि जांच अधिकारी ने अपना काम कर दिया इसको खुश करने के लिए, अपने राजनीति का आका को खुश करने के लिए, और सभी में होता है, वो भाजपा की सरकार में नहीं होता, कांग्रेस की सरकार में सरकार है, कोई वो हर बार ऐसे हर जगह होती है, हर स्टेट गवर्नमेंट जहाँ विपक्ष की है वो भी दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, केंद्र सरकार के हाथ में वो भी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, इसमें है क्या कि जो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जो फंसाने की चीज़ें हैं या जो उसका राजनीतिक करियर खत्म करने की जो नई ये परिपाटी शुरू हुई है, ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, क्योंकि ये क्या है ना कि ये इस एक चैन में चलता चला जाएगा। आज आपकी सत्ता है, आप विपक्ष के लिए कर रहे हैं, कल विपक्ष सत्ता में आएगा वो आपके लिए शुरू कर देगा। बिल्कुल, और जो तो कहीं ना कहीं देश की जनता का फिर भरोसा उठना शुरू हो जाएगा, और वो सब अच्छी बातें देश के लिए नहीं होंगी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हमारी जो आज चर्चा हुई बहुत गंभीर विषय की तरफ चली गई, और जो हम चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा सरकार में लोगों को या पॉलिटिकल लोगों को करनी चाहिए कि इसमें सुधार कैसा हो। जैसे अभी हम कल बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट आया है, वो वाकई एक सुधार के लिए काम है, तीन तलाक हुआ चाहे और भी जो कानून बने हैं वो सुधार के लिए हुए। तो हमारे जो सिस्टम है, जो सिस्टम जो लोगों को प्रताड़ना करने वाला, चूँकि लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र हमारा परिपक्व हो रहा है, तो इस लोकतंत्र में गड़बड़ी ना हो, जैसे विदेशों में उसमें आदमी के जीवन की कीमत होती है कि उसको कोई टच ना करे, उसको कोई प्रताड़ित ना करे, उसका कोई अगर उसको कहीं पुलिस वाले ने या किसी ने भी अगर उसको गलत तरीके से प्रताड़ित कर दिया तो उस पुलिस वाले को नहीं। यहाँ तो देखिए हमारे देश के अंदर तो मानवाधिकार की जो परिभाषा है ना, वो अपनी सुविधा अनुसार, सुविधा अनुसार है, ठीक है ना। एक किसी मामले में मानवाधिकार की एक कोई परिभाषा है, दूसरे मामले में मानवाधिकार की दूसरी परिभाषा, सुविधा के साथ मतलब नहीं है उस तरीके। बिल्कुल, तो आज हमने बहुत गंभीर चर्चा की, इस चर्चा में आप भी जरूर शामिल होइएगा, इस पर आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, सरकार को अपने कमेंट जरूर भेजिएगा कि इन बातों में के लिए सुधार होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।